भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रगति यात्रा की शुरुआत सेक्टर 9 से शुरू की। इस प्रगति यात्रा में विधायक के साथ स्थानीय लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां जहां से विधायक की प्रगति यात्रा गुजरी, विधायक का वार्ड वासियों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक देवेंद्र यादव ने हॉस्पिटल सेक्टर में 1,30,00,000 के विकास कार्यो का भूमि पूजन किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने शनिवार से प्रगति यात्रा की जोरदार शुरुआत की है। सेक्टर 9 से इस यात्रा की शुरुआत की गई। इस प्रगति यात्रा में विधायक के साथ साथ स्थानीय लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। जगह जगह से विधायक की इस प्रगति यात्रा का जोरदार स्वागत वार्ड वासियों ने किया। विधायक ने अस्पताल सेक्टर में लगभग 1,30,00,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। बता दें, भिलाई नगर विधायक के द्वारा तिरंगा यात्रा के बाद अब 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। विधायक देवेंद्र यादव लोगों के बीच जाकर मेल मुलाकात कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के माध्यम से हर वार्ड में विकास कार्य का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया जा रहा है। इसी के तहत हॉस्पिटल सेक्टर से प्रगति यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा में काफी संख्या में लोग विधायक के साथ शामिल रहे। विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रगति यात्रा के माध्यम से जनता की समस्याओं को जानने का एक मौका मिलेगा। प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई में पिछले समय जो बदलाव आया है और जो काम जनता के द्वारा दिए गए हैं, उन कामों को करके इसका लोकार्पण और नए कामों, जो कि पिछले समय जब हम लोग भेंट मुलाकात कर रहे थे उस समय जो विषय जनता के आए थे, उनको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रगति यात्रा का उद्देश्य बस इतना है कि जन भावना का सम्मान किया जाए। घर घर पहुंचकर पिछले समय जो जनता ने हमको कहा था और उसमें क्या हम किन किन चीज़ों को कर पाए और किन किन चीज़ों को और करना है, उसकी सभी योजना बनाने के लिए हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा बिजली बिल हाफ का भी लाभ टाउनशिप के लोगों को मिलने की बातें उन्होंने कही, साथ ही इसके लिए खुशी जाहिर की। देखिए, ऐसा है कि भिलाई अद्भुत है और भिलाई के लोग अद्भुत हैं। भिलाई के बहुत ही प्रबुद्ध लोगों के कारण हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई की प्रगति में सभी का योगदान रहा है और हम सब इस प्रगति यात्रा के माध्यम से भिलाई के हर एक कोने में पहुँचेंगे। जो शासन की योजनाएँ हैं, जो शासन का काम है, उसको भी बताएंगे, लोगों की भी बातें सुनेंगे, लोगों के बताए हुए कामों को जो हमने किया है उसका भूमि पूजन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे और जो सरकार हमारी आने वाले समय में भी जो काम करेगी उसमें जनभावना के आधार पर सब चीज़ें बने, उसके लिए भी हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। तो ये 251 किलोमीटर प्रगति के हैं, भिलाई के हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और इस यात्रा में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो जिस जगह भी जाएंगे वहाँ के स्ट्रीट के लोग और उस क्षेत्र के ही लोग रहेंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों के साथ हम मिलकर चलें, जैसा कि हमने तिरंगा यात्रा में किया था कि हर जगह स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हम चलें और वहाँ की चीज़ों को देखें, समझें और उसको आगे बढ़ें। देखिए, ऐसा है कि मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत दिल से धन्यवाद और आभार करूँगा कि टाउनशिप के क्षेत्र में जहाँ पर राज्य सरकार ये कहती थी कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता और बिजली जहाँ पर BSP देती है उस जगह पर भी कैबिनेट से ऐतिहासिक फैसला करके बिजली बिल हाफ योजना का लाभ हमारे शहरवासियों को सरकार दे रही है। ये निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात है और जहाँ तक आदरणीय पूर्व मंत्री जी का कथन या उनका धरना है तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो राजनीतिक रूप से अभी चुनाव आ गया तो निश्चित रूप से थोड़ी सक्रियता। तो ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट।